खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पिपरौदा रोड में 10 अक्टूबर की रात यूसुफ की हत्या कर दी गई थी। इसका शव 12 अक्टूबर को पुलिस ने बरामद किया था। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी सरफराज और फैजान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने यूसुफ से पैसे लिए थे और पैसे न देने पड़े, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। ये मोहम्मद यूसुफ है और इनका पिता का पिताजी का नाम हलीम है और इनकी उम्र करीब 25 वर्ष है। इनका खेतों में शव मिला था और शव मिलने के बाद तत्काल इनके सही सूचना मिली जो संबंधित थाना मौजूद है, वहाँ से पुलिस और क्षेत्र अधिकारी और मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक निरीक्षण किया गया था और तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस घटना का खुलासा कर दिया गया और इसमें दो व्यक्ति जो थे इन्होंने जो है हत्या कबूल किया है। इन्होंने जो है आला कतल जो चाकू जिससे गला रेत करके हत्या की थी उन्हें बरामद कर लिया गया है। जो हत्या आरोपी हैं वो सरफराज कुरैशी और फैजान अहमद हैं। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई और इनको जेल में लाया गया।